और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान के विमान को भारत ने मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के एक विमान को भारत ने मार गिराया है। जो हिमाकत पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। पाकिस्तानी सीमा में घुसने की कोशिश की और विमान को मार गिराया गया है। ये नहीं ट्वीट करेंगे अब पाकिस्तानी सेना के जनरल, पाकिस्तानी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के एक विमान को भारत ने मार गिराया है। F-16 विमान, फाइटर जेट F-16, पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया भारतीय सेना ने। इससे पहले खबर आई थी 3 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, घुसपैठ के बाद भागते हुए कुछ बम गिराए, भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उल्टे पांव दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान सेना के विमान को भागना पड़ा, खदेड़ दिया गया वापस, और खदेड़ते खदेड़ते एक विमान को मार गिराया गया है। पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया लाम सेक्टर में, F-16 फाइटर जेट F-16, पाकिस्तान का एक विमान, उसको मार गिराया गया है लाम सेक्टर में। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, हालात तनावपूर्ण, सीमा पर एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया, 3 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जवाब मिला। आचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट लगातार मेरे साथ मौजूद है। आचल मल्होत्रा साहब, हालात तनावपूर्ण बन रहे हैं, एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया हमारी सेना ने, यह भी खबर आ रही है लाम सेक्टर में। सर अमन, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपसे कहा था कि देखना है, एस्केलेशन शुरू हो गई है और अब उसे देखना पड़ेगा कि ये रुकेगी कहाँ जाके। तो जाहिर है अब तो वो गोल पे गोल, गोल का जवाब गोल से देने वाली बात आ गई है। अगर उन्होंने हमें वायलेट किया, हमने एक्शन लिया, हम सक्सेसफुल रहे, ये तो एक तो हमारी जो आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है कि हम कितने चौकन्ने और कितने सजग हैं। लेकिन सवाल, बड़ा सवाल यही है कि अभी एस्केलेशन कहाँ जाके रुकेगी, क्या ये एक फुल स्केल वॉर में डेवलप होगी या फिर इसे वक्त रहते रोक लिया जाएगा। ये अपने आप में जो पिछले 2 घंटों में 3 घंटों में जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अपने आप में बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। हमारा एक बिग का गिरना वो हो सकता है इससे रिलेटेड नहीं हो, लेकिन जो ये जो वायलेशन की जो बातें आ रही हैं, और उन्होंने हमारे जहाज गिराए, हमारे पायलट को गिरफ्तार किया या हमने उनका जहाज गिराया, तो ये हम एक इस जो तनाव है वो कम होने की बजाय और बढ़ेगा, बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि ये कहाँ जाके रुकेगा।